आज हमारी क्लास है BA फर्स्ट ईयर। पहले सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा, और कोरोना काल में जो भी मास्क लगा रखा है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ। ठीक है, मेरा नाम है दिलकुश शर्मा। वर्तमान में मैं हूँ SSG पारी गर्ल्स PG कॉलेज जयपुर चांदपोल में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हूँ ज्योग्राफी से। ठीक है, देखो BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर का मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा आपको, और BA फर्स्ट ईयर का यानी कि BA का अर्थ होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी जो BA डिग्री होती है जो आर्ट्स में ही मिलती है हमें, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं, इस डिग्री को बोलते हैं वैसे स्नातक स्तर की डिग्री, स्नातक स्तर की डिग्री। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। अब ये ज्योग्राफी जो शब्द है आया कहाँ से है, इसकी हम व्याख्या करेंगे। ज्योग्राफी, देखो पहले हम ज्योग्राफी शब्द की डेफिनेशन याद करेंगे, और ये शब्द बना कैसे है उसको हम तोड़कर समझेंगे। देखो जीओ और ग्राफो, जीओ प्लस ग्राफो, दोनों का अर्थ एक अलग अलग होता है। जैसे जीओ यानी पृथ्वी और ग्राफो यानी वर्णन करना। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है, पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। अब देखिए इसका एक बेसिक नॉलेज और बताता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को पूछूं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो आप लोगों में कई लोग बताएंगे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, अंडाकार है। कई और बोलेंगे है संतरा के समान है। कई और बोलेंगे कि पृथ्वी क्या है, गोल है। और कई और बोलेंगे कि तस्तरी के समान है, तस्तरी के समान है। सही है, ये आपके विचार है, लेकिन न तो पृथ्वी अंडाकार है और न ही पृथ्वी संतरे के समान है, और न ही पृथ्वी गोल है, और न ही पृथ्वी तस्तरी के समान है। तो आप लोगों के मन में विचार आया होगा, तो पृथ्वी इनमें से कैसी है ही नहीं, तो फिर कैसी है, आया होगा ना ये विचार। तो मैं बता रहा हूं, देखिए कोई भी वस्तु या कोई भी तत्व या कोई भी पिंड यदि अपने ही जगह पर यदि घूमता है तो वो चौकोर हो तो भी क्या दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। चाहे वो त्रिभुज के समान हो या फिर वो आयत के समान हो, तो वो हमेशा किसके समान दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। जैसे जैसे हम बचपन में एक लटू घुमाते हैं, कोई भी वस्तु को, गोल वाली वस्तु को घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद में उसको हम देखते हैं तो उसका आकार देखना कभी कैसा दिखाई देता, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा आकार हमें दिखाई देगा। उस आकार को हम नाम भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? न तो वो आयताकार दिखाई देगा, न वो वृत्ताकार वर्गाकार दिखाई देगा, न वो त्रिभुज के समान दिखाई देगा, और न वो वृत्त के समान दिखाई देगा। तो दिखाई कैसा देगा, तो हम उसका नाम निकाल देंगे, जैसा है वैसा की वैसा है वो। तो पृथ्वी की आकृति कैसी हुई? यदि पृथ्वी यदि गोल पिंड है और वो अपनी जगह घूम रहा है, तो पृथ्वी की आकृति कैसी होगी? जैसी है वैसी की वैसी ही उसकी आकृति होगी। तो पृथ्वी कैसी है? जैसी है, जैसी है वैसी की वैसी ही पृथ्वी है, जैसी है वैसी की वैसी उसकी क्या है, आकृति है। तो आप पृथ्वी की आकृति कैसी हुई? जैसी है वैसी की वैसी है, क्योंकि पृथ्वी त्रिभुज नहीं है, पृथ्वी वृत्त नहीं है, वो वर्ग नहीं है, पृथ्वी आयत नहीं है और पृथ्वी वृत्त नहीं है, तो फिर कैसी है? जैसी है वैसी की वैसी है। तो इसको नाम क्या दिया है? जी यो ओड, जी ओड।
ये देखो जीके का क्वेश्चन बन गया, पृथ्वी की आकृति किसके समान है? जियोड के समान है, और जियोड का अर्थ क्या होता है? जैसा है वैसा का वैसा, ये कहलाता है जियोड। समझ में आया? जियोड क्या है? पृथ्वी जैसी है वैसी ही उसकी आकृति है, और उस आकृति को हम ज्योग्राफिकल भाषा में कहते हैं जियोड। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को हिंदी में कैसे लिखते हैं? ज्योग्राफी। जैसे हम शब्द बोलते हैं ना, फोटोग्राफी बोलते हैं ना, तो फोटो को जो भी उसको बनाने में जितना समय लगता है उसका हम बोलते हैं ग्राफी। तो ग्राफी किसकी की गई है? जियो यानी पृथ्वी की ग्राफी की गई है, पृथ्वी का वर्णन किया गया है, इसलिए हम इसको ज्योग्राफी बोलते हैं। अभी जो ज्योग्राफी जो शब्द है किसने दिया है? ये शब्द किसने दिया है कि एक बड़े भूगोल वेता हुए हैं, उनका नाम है इराटोस्थनीज। नाम क्या है? इराटोस्थनीज। तो ये ज्योग्राफी जो शब्द है सबसे पहले उपयोग में किसने लिया है? इराटोस्थनीज ने लिया है। समझ में आया? यदि कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले भूगोल से संबंधित कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ज्योग्राफी जो शब्द है किसने दिया है? इराटोस्थनीज ने दिया है। और यदि कोई ये पूछ ले कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो इनमें से कैसी ये आकृति नहीं है, न आयताकार है, न वर्गाकार है, न नस्त्री, न गोल, न संतरा, न अंडाकार है, तो कैसे? जियोड के समान है, जैसी है वैसी ही वैसी इसकी आकृति है। ये हमारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में सेट होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो ज्योग्राफी है इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी जो बीए का जो सिलेबस दे रखी है उसमें बुके हैं कौन कौन सी हैं वो देखो। जो बुके हैं वो देखो बीए फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी है। देखो पहली बुक है भौतिक भूगोल, और दूसरी है राजस्थान का भूगोल। यदि राजस्थान से संबंधित यदि भूगोल का कोई वर्णन है तो कहलाएगा राजस्थान का भूगोल, और पृथ्वी के फिजिकल से संबंधित यदि कोई विज्ञान है, यदि कोई वर्णन है, तो वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आता है? अब देखो भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है वो सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। जो भी मानव है, जैसे मैं हूं या आप हो, और मैं आपको ले जाके किसी पर्वत की चोटी पर ले जाके खड़ा कर दूं, और फिर आपको बोलूं कि आप यदि इस परिदृश्य का, इस वातावरण का यदि अध्ययन करके बताओ, तो आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा कि बहुत दूर तक तो क्या दिखाई देंगे? पर्वत, पहाड़, ये दिखाई देंगे। तो क्या दिखाई दिए? पर्वत दिखाई दिए। कहीं पर कोई समुद्र हो, कहीं पर कोई नदी हो, तो क्या दिखाई देगा? समुद्र दिखाई देगा। और जैसे ही यदि हम पर्वत की चोटी पर यदि निवास करते हैं तो वहां पे हमें ठंडी हवा महसूस होगी, और जिससे हम श्वास भी ले रहे हैं और हमें ठंडी भी महसूस हो रही, तो क्या दिखाई दी? हवा दिखाई दी। ठीक है, फिर पर्वत की चोटी पर हमें छोटे छोटे जीव भी दिखाई देते हैं, तो मान लो कोई ना कोई कुत्ता मान लो या भेड़ मान लो दिखाई दी, तो क्या क्या दिखाई दिए? पर्वत, पठार और मैदान। फिर समुद्र दिखाई दे दिया, मान लो कोई पर्वत समुद्र के पास में है तो समुद्र दिखाई देगा, ऊपर जो हवा चल रही है ठंडी ठंडी और या गर्म चल रही है तो हवा दिखाई दे, और वहां पे यदि कुत्ता, कोई भेड़, कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई दे, ये चीजें हमें दिखाई दी, और वनस्पति हमें दिखाई दी, इनके अलावा कोई थोड़ी ना दिखाई दिया हमें, नहीं दिया। देखो इन्हीं से हमारे भौतिक भूगोल के एलिमेंट्स बनते हैं, इसके विषय बनते हैं, इसकी शाखाएं बनती है। पहली शाखा देखो
कि सबसे पहले हमें पर्वत पे यदि चढ़ाई की है तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, पर्वत दिखाई देगा, और पर्वत पठार मैदान जिसमें दिखाई देते हैं उस शाखा को बोलते हैं भू यानी पृथ्वी आकृति, यानी पृथ्वी पर जैसी भी आकृति दिखाई देती है उनको बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। भू यानी पृथ्वी, आकृति यानी जो भी दिखाई दे रहे हैं, पर्वत दे रहा, पठार दे रखा, मकान दे रखा, कुछ भी दे रखा है, वो उसके अंतर्गत आते हैं आकृति के अंदर, यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है, ठीक है, उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, पर्वत दिखाई दे रहे हैं, पठार दिखाई दे रहे हैं, मैदान दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, समुद्र भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो यानी आकृति यानी पृथ्वी पर आकृतियां कैसी बन रही है, ये विज्ञान होता है। पहली शाखा भू आकृति विज्ञान, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी हिंदी में भू आकृति विज्ञान। दूसरा नंबर आता है क्या दिखाई, क्या लग रही है हमें, ठंडी और हवा होती है गर्म और ठंडी, तो दूसरा होता है वायु, और वायु से संबंधित जो भी मंडल होता है उसको बोलते हैं वायुमंडल, इसको हमें क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जलवायु विज्ञान, क्या बोलते हैं इसको, जलवायु विज्ञान, ठीक। जलवायु विज्ञान में क्या क्या आता है, जैसे बरसात का होना, ओलों का गिरना, चक्रवात आना, तूफान आना, धूल भरी आंधियां चलना, ओस पड़ना, पाला पड़ना, जितने भी वायुमंडल में घटनाएं होती हैं वो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आती है, ठीक। नंबर तीन क्या दिखाई दे रहा है, तीसरा समुद्र दिखाई दे रहा है। अब समुद्र के जीव अलग होते हैं, वनस्पति अलग होती है, उसमें संसाधन होते हैं वो अलग होते हैं, और उनका उपयोग हम किस तरह करते हैं वो अलग होते हैं, उसमें जहाज चलाते हैं वो एक अलग है, और उसमें हम मिसाइलें छोड़ते हैं, मिसाइलें परीक्षण करते हैं वो एक अलग है, और दूसरे देशों का दूसरे देशों से युद्ध होता है वो एक अलग है, लेकिन इन सभी का अध्ययन हम करते हैं समुद्र विज्ञान। अब समुद्र विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं ओशियनोलॉजी, यानी ओशियन यानी समुद्र, और विज्ञान यानी लॉजी, यानी विज्ञान को बोलते हैं साइंस, यानी समुद्र की साइंस है ये, ओशियनोलॉजी ये, क्लाइमेटोलॉजी ये, जियोमॉर्फोलॉजी। तो पहली शाखा जियोमॉर्फो, क्लाइमेटो और ओशियन। अब चौथी शाखा क्या होती है देखो, यदि समुद्र का पानी, जलवायु का जल, जलवायु की हवा और भू आकृति का स्थल, यदि हम इन तीनों को मिला दें तो यहां पे बनता है जैव मंडल। और जैव मंडल का मतलब क्या होता है, जिसमें जीव की उत्पत्ति हो जाए, और जीव चाहे वनस्पति में हो और चाहे वो मानव में हो, तीनों मंडलों का 1-1% यदि मिलाकर जहां पर कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बो हो जाए, पानी हवा और स्थल का जहां पे कॉम्बो होता है वहां पे जीव मंडल का निर्माण हो जाता है। तो यह है पानी का जल मंडल, हवा का वायुमंडल, स्थल का स्थल मंडल, तीनों का कॉम्बो जीव मंडल। अब जीव मंडल में कौन कौन आता है, इसमें आता है कुत्ता, भेड़, बकरी, बिल्ली, मानव, पशु, सब जितने भी, और उसमें वनस्पति जैसे नीम, पीपल, बरगद आदि सभी आते हैं इसके अंदर। तो प्लस क्या बोलेंगे शॉर्टकट में, मानव प्लस वनस्पति, और यदि मानव की जगह हम कर दें जीव और जंतु, तो जीव जंतु के अंतर्गत मानव भी आ जाएगा, भेड़ भी आ जाएगी, बकरी भी आ जाएगी। तो मानव प्लस वनस्पति कर दो, या फिर जीव जंतु प्लस वनस्पति कर दो, किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैव मंडल। तीनों मंडलों का जब कॉम्बिनेशन जिस स्थान पर होता है वहां पर जीव की उत्पत्ति हो जाती है, समझ गए, ठीक है चलते हैं आगे। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके हमें आगे बता देना। शाखाएं कितनी हुई भौतिक भूगोल की, चार हो गई, जियोमॉर्फो, क्लाइमेटो, ओशियनो और जैव मंडल, जिसको हम बायोम बोलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। अब आता है हमारा राजस्थान का भूगोल, जो आरपीएससी और यूपीएससी का मतलब है, जो आरएएस की एग्जाम होती है, आईएएस की एग्जाम होती है, और जो क्लर्क की एग्जाम होती है, टीचर की एग्जाम होती है, उसमें इसके क्वेश्चन आते हैं, और इसका अध्ययन हमें महत्वपूर्ण तरीके से करना है। और ये कौन सी भूगोल है, राजस्थान का भूगोल।
देखो राजस्थान का यदि हम अध्ययन करते हैं तो राजस्थान की आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे, राजस्थान में पाई जाने वाले लोगों का अध्ययन करेंगे, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी का अध्ययन करेंगे, राजस्थान में पाई जाने वाली जलवायु का अध्ययन करेंगे। कहने का तात्पर्य है कम से कम 10 या 15 टॉपिक्स का हम इसमें अध्ययन करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला परिचय है देखो राजस्थान का परिचय। देखो राजस्थान कहां स्थित है, भारत का या वर्ल्ड के मैप में राजस्थान कहां स्थित है? तो मैं भारत का पहले नक्शा बनाऊंगा छोटा सा। देखो ये ठीक है, ये हमारा है राजस्थान। यहां ये मान लो राजस्थान है हमारा। तो राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? यदि मान लो भारत का जो मैप बनाया है ये है कर्क रेखा, तो भारत यहां से लेकर यहां तक है। इसको मैंने दो डिवाइडेशन भागों में बांट दिया और जो डिवाइडेशन करता है कर्क रेखा इसके, तो कौन सी दिशा में है? उत्तर में, नॉर्थ में। और इसके मैं ऊपर से लेकर नीचे की ओर दो टुकड़े और कर दूं तो चार टुकड़े हो गए, एक दो तीन और चार। देखो इससे ऊपर वाला नॉर्थ है, इससे नीचे वाला साउथ है। इस लाइन से इधर वाला पूर्व है जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, और इधर वाला पश्चिम है, इसको बोलते हैं वेस्ट। अब इस कोने में हमारा राजस्थान स्थित है, तो भारत की कौन सी दिशा में राजस्थान स्थित है? तो देखो इससे ऊपर वाला उत्तरी, देखो इससे इधर वाला पश्चिमी और इससे इधर वाला पूर्वी, तो हमारा राजस्थान यहां स्थित है। तो कौन सी दिशा बोलेंगे? उत्तरी, उत्तर ले लिया नॉर्थ यानी उत्तरी, और साउथ यानी दक्षिण। उत्तरी ये क्या पश्चिम, तो भारत के कौन सी दिशा में राजस्थान स्थित है? उत्तरी पश्चिमी दिशा में राजस्थान स्थित है। क्वेश्चन बना हमारा कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो राजस्थान स्थित है उत्तरी पश्चिमी दिशा में राजस्थान स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन याद रखना, भारत की कौन सी दिशा में राजस्थान स्थित है? उत्तरी पश्चिमी दिशा में राजस्थान स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,32 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 3,32,000 वर्ग किलोमीटर है, और पॉइंटों में बोलते हैं 3,32 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 32 लाख किलोमीटर है। तो यदि हम इसका औसत निकालें, इसका प्रतिशत निकालें, तो हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 10.41% है। तो भारत के टोटल क्षेत्रफल का, राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.41% है। याद रखना जीके का क्वेश्चन है, 10.41% क्षेत्रफल कितना है? 3.32 लाख वर्ग किलोमीटर, और 10.41% यह हमारे भारत के टोटल में से इतना परसेंट हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो पांच क्वेश्चन हो गए आपके कंपलसरी। ठीक है,
आगे चलते हैं। लगभग जनसंख्या कितनी है? 6.5 करोड़ है। राजस्थान की टोटल जनसंख्या कितनी है? 6.5 करोड़ है। राजस्थान के जितने भी 33 जिले हैं उन 33 जिलों में विद्यमान लोगों की संख्या कितनी है? 6.5 करोड़ है, और यह है जनसंख्या। अब जनसंख्या किसे कहते हैं? परिभाषा दो। 6.5 यदि करोड़ यदि जनसंख्या निवास करती है, उस जनसंख्या की परिभाषा क्या होगी कि हमने इतने लोगों की काउंट कर दी, तो यह जनसंख्या की परिभाषा बताओ। जनसंख्या की परिभाषा देखना, किसी निश्चित क्षेत्र में, अब वो चाहे राजस्थान का हो, चाहे भारत का हो, चाहे वो जयपुर का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे वो कनाडा का हो, किसी निश्चित क्षेत्र में और निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। मान लो जयपुर की जनसंख्या है, तो जयपुर का क्षेत्रफल क्या है? सीमित है। और उस निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित समय में, मान लो 2020 से 2021 से 2022 से 2023 से 2024, कोई भी एक समय ले लो, निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों को, लोगों की टोटल संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या, यानी लोगों की संख्या। लोगों की संख्या किस आधार पर निकाली जाती है? निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय के अनुसार निकाली जाती है। समझ में आई? ठीक है, नहीं आया कमेंट करके बताना। आगे चलते हैं। बात करते हैं अब जो राजस्थान राज्य है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। क्षेत्रफल कितना है? 3/32। टोटल जनसंख्या कितनी है? 6.5 करोड़ है। तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया। अब देखो राजस्थान का एक मैं चित्र बनाता हूं, मानचित्र बनाता हूं, उसके आधार पर मैं आपको राजस्थान का भूगोल समझाने की कोशिश करूंगा। और समझने की कोशिश करना, एक बार दिमाग में सेट हुआ और सेटिंग अपने आप हो जाती है। एक बार दिमाग में सेट हुआ, सेटिंग अपने आप ही हो जाती है। समझने की कोशिश करना, यह हमारा राजस्थान का मानचित्र है और यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। टोटल क्षेत्रफल 3/32, टोटल एरिया है 3/32। देखो राजस्थान के बिल्कुल मध्य से एक पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। मैं नाम लिख देता हूं, अरावली पर्वत माला। अरावली पर्वत माला यह है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। जीके का क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो नाम क्या आएगा? अरावली पर्वत माला। जीके का दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखना, अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। अवशिष्ट का मतलब एक उदाहरण से समझाता हूं। यदि खाना खाते समय और पेट भरने के बाद में यदि थाली में खाना रह जाता है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट, यानी झूठा बचा हुआ। या खाना खाने के बाद में यदि खाना वैसे ही बच जाता है, तो उसको बोलते हैं हम अवशिष्ट बोलते हैं। अवशिष्ट का कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन हमारी अरावली पर्वतमाला का बहुत बहुत उपयोग होता है। तो जीके का दूसरा नंबर का क्वेश्चन कौन सा है?
अरावली कौन सी पर्वतमाला है, अवशिष्ट है या वलित है या भ्रंशित है? तो क्वेश्चन क्या आएगा, अवशिष्ट पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला विश्व की अवशिष्ट पर्वतमालाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर दो, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है, चलते हैं आगे। इस पर्वतमाला के ये वाला स्थान, इस पर्वतमाला के इधर वाला स्थान अलग है और इधर वाला स्थान अलग है। इधर वाले स्थान को क्या बोलते हैं, अरावली के पश्चिमी भाग। तो अरावली से कौन सी दिशा हो गई है, पश्चिमी भाग। ये कौन सा हो गया, अरावली के पूर्वी भाग। अरावली का कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग, और ये कौन सा है, पूर्वी भाग। तो इसको बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान और इसको बोलते हैं पूर्वी राजस्थान। क्या बोलते हैं इसको, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, और ये पूर्वी राजस्थान। एकमात्र अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती हुई, राजस्थान को दो भागों में बांट देती है, जिसका नामकरण क्या है, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जिले आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, और इधर बाड़मेर से नीचे जालौर, सिरोही आदि आदि। ठीक है, और पाली। अब इधर आते हैं, देखो पूर्वी राजस्थान में आते हैं जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारा, यहाँ पे चित्तौड़गढ़, यहाँ पे आता है उदयपुर, और ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, ये छत्तीसगढ़, ये सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो टोटल जिले कितने हैं, 37। 37 में से 12 किधर हैं, इधर हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 12 है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उदय जो भी है वो इसी के अंतर्गत आते हैं, और जो बाकी बचे हुए अरावली से संबंधित है और पूर्वी भाग में स्थित हैं वो राजस्थान के अंतर्गत। सबसे ज्यादा शिक्षित जो जनसंख्या पाई जाती है, पॉपुलेशन पाई जाती है, वो कोटा में, यहां देखो कोटा में, और कोटा में सबसे बड़ी नदी, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, वो सबसे ज्यादा पानी लाने वाली नदी क्या है, चंबल है, और चंबल पे तीन बांध बने हुए हैं, जैसे कोटा बैराज है, राणा प्रताप सागर, ठीक है, और जवाहर सागर आदि आदि आदि। राजस्थान के कितने पार्ट बने, दो पार्ट बन गए, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। फेमस है पूर्वी पश्चिमी राजस्थान का नाम लेते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, ये तो छोड़ देते हैं, और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर नाम अपने आप आ जाता है, नागौरी जिसको बोलते हैं, नागौरी आ गए, बाड़मेर आ गए, जोधपुर आ गए, और पूर्वी राजस्थान का नाम लेते हैं जयपुर, ही हमेशा फेमस नाम होता है। पूर्वी राजस्थान का एकमात्र केंद्र सर्वश्रेष्ठ है, फेमस है, गुलाबी नगरी है। ठीक है, किसमें आता है, पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत। देखो अब ये जो अरावली है ये बांटने का ही काम नहीं करती, इसका डिवाइडेशन अंत प्रवाह के रूप में भी करती है, जो नदियां जो प्रवाहित तो होती है उनको भी करती है। मान लिया यह है पश्चिमी और यह है पूर्वी, अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां यदि इधर जा रही है तो वो किसमें बह रही है, पश्चिमी राजस्थान में। यदि इधर आ रही है वो कौन सी नदियां कहला रही है, पूर्वी नदियां कहला रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि राजस्थान में जो नदी प्रवाह है, ठीक है, अपवाह क्षेत्र है, उसको दो भागों में बांटने का काम करती है। कौन करती है, अरावली पर्वतमाला। यह है पश्चिमी अपवाह क्षेत्र और यह है पूर्वी अपवाह क्षेत्र। इसमें आती है चंबल, बनास आदि नदी, फेमस नदी है, बाण गंगा है, लून, चंबल, बनास गंगा, वे चंबल, बनास और भागीरथी, और वे क्या नाम है, माही, परवन, काली सिंध, पार्वती, बनास, चंबल
आदि ये इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी है। और देखो पश्चिमी क्षेत्र में नामी फेमस है सुकड़ी, मरीली, चिमटी आदि आदि, और जैसे लूणी, खारी आदि 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 इस प्रकार की नदियां हैं। तो इधर बहने वाली नदियां पश्चिमी नदियां, इधर बहने वाली नदी पूर्वी नदी। अब देखो ये नदियां जो हैं ये तो जाती हैं खंभात की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी जो कि गुजरात के पास में है और ये है कच्छ की खाड़ी, ठीक है, यहां पे जाके गिरती है। तो पश्चिमी खंभात की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? लूणी है और खारी है, सुकड़ी है आदि है। और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियां ये हैं, ये है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो जब भी भारत का यदि हम मानचित्र बनाते हैं, ये देखो ये भारत का, तो इधर आता है अरब सागर और इधर आता है बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर के ही ये क्या है भाग है, पहला और दूसरा खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। जो गुजरात का जो कच्छ का इलाका है उसके पास में जो खाड़ी स्थित है उसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, और जस्ट राजस्थान के पास में स्थित है उसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। तो प्रवाहित होने वाली नदियां कहां जा रही है? खंभात की में और कच्छ की खाड़ी में, और दोनों किसके भाग है? अरब सागर के। इधर से बहने वाली नदियां कहां जा रही है? बंगाल की खाड़ी में, और ये बंगाल की खाड़ी ये दोनों, ये कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों किसके पार्ट है? हिंद महासागर। अब यदि ये मैं पूछ लूं राजस्थान की हिंद महासागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो सारी नदियां आ जाएंगी। राजस्थान की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये आ जाएंगी। राजस्थान की खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं, तो ये आ जाएंगी। यदि मैं इसे पूछ लूं कि पश्चिमी राजस्थान की अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये सारी आ जाएंगी, खंभात की खाड़ी वाली और कच्छ की खाड़ी वाली। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अपवाह क्षेत्र को दो भागों में बांटती है, पहला है पूर्वी और दूसरा है पश्चिमी। पहला है पूर्वी और दूसरा है पश्चिमी। समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करके बताना। आगे चलते हैं, वापस हमने राजस्थान का मानचित्र बना दिया। किसके लिए? हम भौगोलिक क्षेत्र को समझने के लिए मानचित्र का उपयोग करते हैं। यदि हम आपसे पूछ लें कि मानचित्र का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भौगोलिक जितनी भी संरचनाएं हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिनको हम मानचित्र के द्वारा समझ सकें, जिनको हम मानचित्र के द्वारा दर्शा सकें, इसी को हम क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। ठीक, ये लो। अब बात करते हैं कि नदियां हमने जानी, तो बात कर लेते हैं आगे जलवायु की, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। जलवायु देखो, मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है यह है कर्क रेखा, यह भारत के नक्शे में से बीच में से गुजरती है, यह है 23.5 डिग्री। 23.5 को ऐसे भी लिखते हैं और 23.5 को ऐसे भी लिखते हैं, सही कौन सा है?
सही सबसे ज्यादा ये है और सही इससे ज्यादा ये है और ये हमेशा गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि डिग्री बनती है 60 मिनट की, तो आधा डिग्री कितना मिनट का बना, 30 मिनट का, 30 सेकंड का, तो ये वाला सही है और ये वाला सही है, ठीक है। 30 डिग्री आधा मिनट, 30 डिग्री 30 सेकंड, ठीक है, ये वाला सही है। तो 23.5 डिग्री पे हमारी क्या है, कर्क रेखा है। ये राजस्थान के दो जिले डूंगरपुर और भांसवाड़ा, इन दोनों जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। इस रेखा के नीचे रहने के कारण यहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है, अभी क्यों रहता है समझने की कोशिश कर। जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण का मतलब होता है, यह भी दोबारा समझ लो, फिजिकल में पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, लेकिन समझाने की मेरी गारंटी है आएगा, क्यों नहीं। ये कर्क, ये मकर और ये विषुवत, इस जीरो वाली रेखा से यदि सूर्य की गति ऊपर की ओर होती है उसको बोलते हैं उत्तरायण, और इसकी गति यदि जीरो से नीचे की ओर होती है उसको बोलते हैं दक्षिणायन। और ये जो बीच वाला पॉइंट है उस पर हमेशा सर्दी गर्मी बरसात एक समान रहती है। तो यदि उत्तरायण और दक्षिणायन यदि आपके समझ में नहीं आया है तो मकर संक्रांति के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य उत्तरायण हुआ है या दक्षिणायन हुआ है, समझ में आ जाए। या बड़ा कोई व्यक्ति हो आपके समझदार घर में उसको पूछना कि अब सूर्य मकर संक्रांति को उत्तरायण है या दक्षिणायन है, ठीक है। इस समय गर्मियों के समय सूर्य इस रेखा पे चमकता है, और यदि किसी रेखा पे यदि सूर्य सीधा चमके तो सूर्य की किरणें हमेशा बिल्कुल सीधी गिरती हैं, और जहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी गिरती है वहां पर उस क्षेत्र का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, तापमान ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है उस क्षेत्र में। तो कर्क रेखा पे यदि सीधा सूर्य चमकेगा यहां पे तो इधर वाले स्थान तक भी क्या होगा, टेम्परेचर शोषण करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा। तो गर्मियों में टेम्परेचर कितना ज्यादा है, 50 डिग्री सेल्सियस तक है, लोग धूप में निकलते नहीं है, और राजस्थान में लू चलती है, इस समय क्या चलती है, लू चलती है। कितना डिग्री टेम्परेचर हो गया, 50 डिग्री। और यदि सूर्य इस वाले क्षेत्र में चमके, अब ये क्षेत्र कहाँ है, इसके भी ये 0 डिग्री है और इसके भी यहां है, तो भारत से कितने किलोमीटर है, कम से कम 3-4 हजार किलोमीटर नीचे यहां चमकेगा, यहां चमकेगा तो इसे यहां से चमकने के बाद में, और यदि यहां पर वो किरण आए तो क्या होगी, बहुत बहुत तिरछी होंगी, तो यहां पर तापमान ग्रहण करने का जो क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी, और कम होगी तो यहां का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और यहां का टेम्परेचर यदि कम होगा तो यहां पर क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, और यहां पर ठंड पड़ेगी तो सर्दियों के कपड़े पहनने पड़ेंगे।